इंसान का जो चेहरा दिखता है जरूरी नहीं है कि वो उसकी असलियत का दर्पण हो। उस चेहरे का एक ऐसा रूप भी हो सकता है जो देखने वाले से पूरी तरह से छुपा हो, और ये दोगला चेहरा किसी करीबी इंसान का भी हो सकता है। विवेक शर्मा का भी कोई छुपा हुआ चेहरा था जिसे उसके अपने भी कभी देख ना पाए थे? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। पचास वर्षीय इंश्योरेंस कंसल्टेंट एजेंसी का मालिक विवेक शर्मा 14 जून 2017 को ऑफिस के बाद अपने घर नहीं लौटा। किसी को नहीं पता था कि वो घर क्यों नहीं लौटा और वो कहां गया था। विवेक नॉर्मली 7-7:30 बजे तक घर लौटाते हैं, लेट हुआ तो मैक्स टू मैक्स 9:30। हमने जब फोन ट्राई किया तो उनका फोन स्विच ऑफ था। The number you have called is currently switched off. आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। मम्मी, पापा किसी मीटिंग में होंगे और फोन स्विच ऑफ रखा होगा उन्होंने। 10:30 बज गए हैं संजय। वेट करते हैं मम्मी, पापा किसी जरूरी मीटिंग में फंस गए होंगे। रात भर हम परेशान रहे, सोए नहीं, बस फोन ही ट्राई करते रहे, लेकिन अभी तक उनका फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। विधि जी, आपने बताया कि आपके हस्बैंड का ऑफिस सॉलिटर बिजनेस कॉम्प्लेक्स गरोड़िया नगर में। जी सर। संजय, तुमने अपने पापा के ऑफिस में बात की? शायद वहाँ किसी को पता हो कि किसी मीटिंग में बाहर गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनकी ऑफिस इंचार्ज गीता से बात की। विवेक सर घर नहीं लौटे, ये क्या कह रहे हो संजय? पूरी रात से अभी तक उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। पर वो तो कल आफ्टरनून में ही निकल गए थे, लंच से पहले करीब 12:30 बजे। गीता, एक मीटिंग है, लंबी चलेगी, देर से लौटूंगा। ओके सर। मैं 7 बजे तक वेट करती रही उनका, वो ऑफिस नहीं लौटे तो मुझे लगा डायरेक्टली घर चले गए होंगे, फिर मैंने ऑफिस क्लोज किया। ये कौन सी मीटिंग थी गीता? संजय, मुझे कुछ बताया नहीं उन्होंने मीटिंग के बारे में। किसी और स्टाफ मेंबर को कुछ बताओ। नहीं सर, गीता से बात करने के बाद हम स्ट्रेट आपके पास आए सर। संजय, इससे पहले तुम्हारे पापा कभी रात भर बाहर रहे हैं, ड्रिंक वगैरह? नहीं मैडम, लेट मीटिंग्स होती हैं, लेकिन अगर ज्यादा लेट हो रहा होता है तो फोन या मैसेज जरूर कर देते हैं। जी मैम, और पापा ओवरनाइट तभी जाते हैं जब उनकी मीटिंग्स आउट ऑफ भोपाल होती हैं। सर, मैंने पूरे स्टाफ से बात की है, किसी को नहीं पता विवेक सर की कौन सी मीटिंग थी। सर, ऑफिस आए उसके बाद मैं मिला था उन्हें, फिर काजल उनसे मिली। जी सर। आप लोगों में से किसी को नहीं बताया इस मीटिंग के बारे में? कुछ भी नहीं बोले? जी नहीं सर। ये मीटिंग विवेक शर्मा के काम को लेकर ही होगी ना, इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस को लेकर, मतलब आप लोग किसी रेगुलर क्लाइंट के साथ? उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं मैम। सर, ये सारी लिस्ट है। आशीष या एसके ब्रदर्स अपने और 15 एम्प्लॉइज को इंश्योरेंस कवर देना चाहते हैं। उनके पर्सनल मैनेजर से डील करो, सिर्फ 5% रिबेट ऑफर करो, नॉट मोर। मेरी डिस्कशन प्रीतम फैब्रिकेशंस के एक्सीडेंट इंश्योरेंस के कवर को लेकर हुई थी। सर, प्रीतम फैब्रिकेशंस को अपने 3 यूनिट्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चाहिए। लेकिन उनकी नई यूनिट अभी अभी ऐड हुई है ना, 1 महीने पहले, तो नए यूनिट को पहले साल में हम बाकी 2 यूनिट्स जितना रिबेट नहीं ऑफर कर सकते। सर, मैं 10% कट ऑफर करने का सोच रही थी, 2 साल से हमारे साथ खुश रहेंगे। देखो काजल, कॉल तुम्हारा है, मेरे हिसाब से 7 काफी है, हमें भी तो खुश रहना है। यस सर, गॉट इट। काजल, अगर वो 10 पर अड़े रहे तो अग्री करो, हम बाद में रिकवर करेंगे। और तुम रागिनी, तुम्हारी कोई मीटिंग नहीं थी बॉस के साथ?
नहीं मैम, कल मेरी कोई रिपोर्टिंग नहीं थी उनके साथ। एक्चुअली मैम, विवेक सर अक्सर ऐसे मीटिंग्स के लिए जाते रहते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है पार्टी कौन सी है। तो ये ज़रूरी नहीं कि पार्टी क्लाइंट ही हो, कोई और भी हो सकता है, कोई पर्सनल मीटिंग भी हो सकती है। सर हम लोग कैसे बता सकते हैं ये बात? आशीष, काजल, जब तुम लोगों की मीटिंग हुई विवेक शर्मा के साथ, तो तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया? किसी टेंशन या परेशानी में लग रहे थे वो? मैंने तो ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। हमेशा की तरह थे, नॉर्मल, कूल, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नोटिस नहीं किया। चेहरे पे टेंशन दिख तो नहीं रही? हाँ सर, डिस्टर्ब तो डेफिनेटली नहीं लग रहा है। 12:35 पे ऑफिस से निकलते हैं, शायद निकलने से पहले पार्टी से कॉल आया या फिर इसने कॉल किया। हो सकता है पहले से कोई मीटिंग फिक्स हो, ऑफिस में कोई डायरी मेंटेन नहीं की गई? नहीं मैडम, अगर सर ऐसी कोई डायरी मेंटेन भी करते होंगे तो मैंने कभी नहीं देखी। आप लोगों में से किसी को आइडिया है ऐसी किसी डायरी के बारे में? 12:35 पर ऑफिस से निकले तो हो सकता है लंच मीटिंग हो। वर्डिया नगर में जितने भी एक क्लास रेस्टोरेंट है सब जगह चेक करो, एक्चुअली पूरे भोपाल में चेक करो। अजीब है, बंदा ऑफिस से एक मीटिंग के लिए निकलता है, उसके बाद ना घर पहुंचा ना ऑफिस। इसकी सारी बैकग्राउंड डिटेल्स निकलो और सारे हॉस्पिटल में भी चेक करो। उनचास साल का आदमी है, नाम है विवेक शर्मा, फोटो भेज रही हूँ। एक्सीडेंट केस में चेक कीजिए प्लीज। हाँ, विवेक शर्मा नाम है, एज 49। अविनाश जी, मैं आदमी और कार दोनों की तस्वीरें अलग अलग भेज। ठीक है मिसा। कार मरून सेडान है, नंबर है MPCX I407X। गरोड़िया नगर एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरा है सबको स्कैन कीजिए और वहां से निकलने वाले रोड्स को। थोड़ा टाइम दो निमिता, मुझे 14 जून के सारे फुटेजेस अलग करने होंगे और सीसीटीवीज भी काफी है। जी अविनाश जी, मैं समझती हूँ, लेकिन इसे आप प्रायोरिटी पे रखिए। आदमी को मिसिंग हुए 48 घंटे हो चुके हैं। हमने सारे होटल्स, रेस्टोरेंट, सब जगह के सीसीटीवी चेक किए, लेकिन कहीं भी कुछ भी शो अप नहीं हो रहा। तो सर मेरे पापा कहाँ गए फिर? निधि, क्या कोई ऐसी वजह है कि आपके पति घर लौटने नहीं चाहते? एक्सक्यूज मी सर, मेरे पापा खुद से घर क्यों नहीं लौटना चाहेंगे? देखिए, हमने आपके सब लोगों के फोन टैप किए, ये आप जानते हैं। हमने विवेक के ऑफिस में भी सबसे बात की ये समझने के लिए कि विवेक को कहीं से कोई धमकी तो नहीं मिल रही। कैसी धमकी? निधि जी, हम किडनैपिंग को रूल आउट नहीं कर रहे। मेरे हस्बैंड को कोई किडनैप क्यों करेगा? पैसों के लिए। आपको किसी पर शक? नहीं सर, मेरे पापा की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी सर। कितना अजीब है ये सब कुछ सर, एक नॉर्मल दिन था, नॉर्मल मीटिंग के लिए गए और अभी तक लौटे नहीं। अजीब तो है संजय, पर कुछ भी ऐसे तो नहीं होता, कोई ना कोई कारण तो होता है। हमने शहर के सारे हॉस्पिटल छान मारे, कोई एक्सीडेंट केस नहीं, कुछ नहीं। तो फिर आपके पापा कहाँ गए और क्यों? मैडम, धमकी दुश्मनी वगैरह की बात भी होगी तो वो हमसे क्यों शेयर करते? हाँ, लेकिन मैं आपको हमारे सारे क्लाइंट्स के लिए जरूर दे सकती हूँ। ओके, तो तुमसे सीधा सीधा सवाल करती हूँ, विवेक शर्मा की कोई गर्लफ्रेंड थी? मैडम, ये सिर्फ एक प्रोफेशनल सेटअप है और मैं यहाँ सिर्फ काम करती हूँ, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे कैसे पता होगा? सबसे करीबी दोस्त तो राजीव है, राजीव दुबे। सर, राजीव अंकल भी पापा को लेकर काफी परेशान है। नंबर दीजिए। मैं अपने काम से काम रखती हूँ मैडम, और यहाँ पे इतना काम होता है कि किसी की पर्सनल लाइफ की डिटेल्स रजिस्टर भी नहीं होती है। देखो, तुम लोग काफी प्रोफेशनल बिहेव कर रहे हो, मुझे एक ऐसा ऑफिस बताओ जहाँ पे स्टाफ को एक दूसरे के पर्सनल डिटेल्स के बारे में ना पता हो, खासतौर से अफेयर्स वगैरह। आशीष, तुम यहाँ 4 साल से हो, गीता तुम 6 साल से, रागिनी तुम भी 6 साल से हो, और काजल तुम्हें 3 साल होने को आए। मैम, लेकिन आपका पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है आशीष, कि तुम लोग की तुम्हारे बॉस के बारे में इन्फॉर्मेशन इतनी लो है कि शक करने जैसी है। लेकिन मैम, जिस बारे में पता ही नहीं है उस बारे में आपको कैसे बता सकते हैं? मैम, हम विवेक सर के गायब होने को लेकर वैसे ही बहुत टेंशन में है। ये सवाल तुम सबके लिए, क्या विवेक शर्मा और उनकी पत्नी निधि शर्मा, इन दोनों के बीच में कोई टेंशन थी? क्या ये विवेक
सच में गुमशुदा? सर 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक घर लौटा नहीं है। उस तो बात है, एक्सीडेंट नहीं है, किडनैपिंग होती तो अभी तक फिरौती को कॉल आता, जो कि अभी तक नहीं आया। और घर में सब नॉर्मल हो, आदमी घर ना लौटे, ये भी तो नहीं हो सकता। नॉर्मल? पर क्या सब कुछ नॉर्मल था यहाँ? कुछ तो ऐसा हुआ था जो नॉर्मल तो नहीं था। ये क्या था ये बहुत जल्द सामने आने जा रहा था, लेकिन ये खुलासा पर्दे के पीछे की अबनॉर्मल बात को सामने लाने की बजाय इस हादसे पर एक नया पर्दा डालने का काम करने वाला था। गरुड़िया नगर और उसके सभी रास्तों के सीसीटीवी को हमने स्कैन किए, लेकिन 14 जून को ये MPCXI 407X ऐसी कोई भी मरून सेडान स्पॉट नहीं। कार के साथ कहां गायब हो गया ये विवेक शर्मा? राजीव दुबे, मैं इंस्पेक्टर हर्ष राठौर बोल रहा हूँ। विवेक का कुछ पता चला इंस्पेक्टर? तलाश जारी है, आपसे बात करनी। ऐसे कैसे वो कहीं चला गया? आपको लगता है विवेक कहीं चला गया खुद से? नहीं, मेरा मतलब है कि वो ऐसे कैसे कहीं गायब हो गया? उसकी वाइफ निधि, उसका बुरा हाल है इंस्पेक्टर, प्लीज मेरे दोस्त को जल्दी ढूंढिए। हम ढूंढ रहे हैं, मैं करमवीर थाने में हूँ, आप कितनी देर में आ सकते हैं? जी मैं अभी आया। सर, विवेक शर्मा के फोन पर 14 जून को एक कॉल आया था 12:15 बजे, ट्रैक हो गया। हाय, क्या हाल है? और ये नंबर स्विच ऑफ है? हाँ सर, 444-897-612। पिछले एक महीने से इस नंबर पे विवेक शर्मा को कॉल्स जा रहे हैं और विवेक शर्मा ने इस नंबर पे कॉल्स किए हैं। तो जान पहचान का होगा, बंदा या बंदी? सर, इन दोनों के बीच में सिर्फ पिछले एक महीने से बात हो रही है। एक महीने के पहले कोई कॉल नहीं हुआ? सर, ये 1 साल के कॉल रिकॉर्ड्स है, ये नंबर इससे पहले कहीं नहीं दिखा। इस नंबर को अर्जेंट बेसिस पर ट्रैक करके इसके रिकॉर्ड्स मंगाओ। कमल, मुझे लगता है ये नंबर हमारी लीड है। 444-897-612। पिछले एक महीने से विवेक जी की काफी बार बात हुई है इस नंबर पे, सिर्फ एक महीने से। ट्रिपल फोर एट नाइन सेवन सिक्स वन टू मेरे और संजय के कॉन्टेक्ट लिस्ट में ये नंबर नहीं है, हमें नहीं मालूम ये नंबर किसका है। कौन हो सकता है मम्मी? विवेक के फोन लोकेशंस? डिटेल जल्दी आ जाना चाहिए सर, फोन कंपनी में प्रेशर डाल रहे हैं। ये जो 12:15 बजे विवेक को कॉल आया था, ये मीटिंग के लिए रिमाइंडर था क्लाइंट का? सर, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने फुटेज स्कैन किए, विवेक की कार कहीं भी स्पॉट नहीं हुई है। ये कैसे मुमकिन है, बंदा मीटिंग के लिए निकलता है और गायब? पक्का कोई झूठ बोल रहा है या फिर कुछ छुपा रहा है? एक्सीडेंट नहीं, किडनैपिंग नहीं। अगर ये बंदा अपनी मर्जी से कहीं गया है तो किसी चीज से तो भाग रहा है, कुछ जबरदस्त हुआ है। ऐसे अपनी मर्जी से कहीं क्यों भाग जाए? और इसके बैकग्राउंड चेक में भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया। एक टॉप बैंक में कई सालों तक जॉब करता था, फिर 10 साल पहले इसने अपनी इंश्योरेंस एजेंसी खोली, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। ये जो 12:15 बजे विवेक को कॉल आया था, शायद ये किसी मीटिंग की याद दिलाने के लिए किया गया था। और मुझे डाउट है ये कॉल किसी काम से रिलेटेड था, क्योंकि ये नंबर किसी क्लाइंट का नहीं है। पिछले एक महीने में कई बार बात हुई है ना, क्योंकि क्लाइंट से तो उतनी बातें नहीं होती होंगी, तो फिर माजरा क्या है? गीता ने फोन किया था, कह रही थी कि क्लाइंट से कॉल पे कॉल आ रहे हैं, डील्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं, किसी को पापा की जगह डील्स करनी पड़ेंगी। अब मुझे तो तेरे पापा के काम के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है, क्या हुआ होगा तेरे पापा के साथ? और वो नंबर जिस पे तेरे पापा की बात हो रही थी, मैंने आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर में फीड किया है, रजिस्टर्ड नहीं है वहां, पुलिस वाले पता कर रहे हैं। पुलिस वाले तो ये भी बोल रहे थे कि
हो सकता है तेरे पापा अपनी मर्जी से कहीं चले गए। क्या ऐसे कैसे कुछ भी कह सकते हैं वो लोग? मम्मी पापा हमें ऐसे कभी छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बस आदित्य आपके तरह बाकी क्लाइंट्स भी हैं जो वारिड है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको तो पता है ना क्या हुआ है, न्यूज़पेपर्स तो पढ़ रहे हैं ना आप। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड गीता, बट द शो मस्ट गो ऑन और हमारे नए शोरूम के इंश्योरेंस रिन्यूअल कल तक हो जाना चाहिए था। गीता मुझे भी मेरे बॉसेस को जवाब देना पड़ता है, इट्स माय जॉब टू। आशीष वो पूजा अपैरल से आदित्य का कॉल आया था कुछ। हाँ वो उनके शोरूम की इंश्योरेंस रिन्यू करवानी है। काजल ये आदित्य अपैरल तुम्हारा ही क्लाइंट है ना? हाँ लेकिन मैं आदित्य के कॉल्स ही नहीं ले रही हूँ यार, क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं और विवेक सर के बिना आई डोंट नो हाउ इट्स गोना बी पॉसिबल। मैंने संजय से बात की थी, उसने बोला कि वो निधि मैम से बात करके मुझे कॉल बैक करेगा, पर अभी तक तो उसका कॉल आया नहीं। काजल आशीष मुझे लगता है कि हमें संजय को ऑफिस आने के लिए कहना चाहिए, उसे इन्वॉल्व करते हैं, तब तक होपफुली विवेक सर लौट आएंगे। हेलो तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या कहा रागनी तुमने? कि विवेक सर होपफुली लौट आएंगे? यू मीन कि वो खुद ब खुद कहीं चले गए? काजल मेरे माइंड में एक बात आई तो मैंने कह दी। एक्चुअली मैं इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि कोई उन्हें किडनैप विडनैप करेगा। क्या किडनैप? कम ऑन आशीष मैं बस पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ। वो नहीं दिखाते क्या क्राइम शोज में, ये थ्योरी वो थ्योरी, बस दैट्स ऑल। तुम लोग ग्राउंड रियलिटी देखो ना, 5 दिन हुए हैं पर फिरौती का कोई कॉल नहीं, दैट मीन्स किडनैपिंग रूल्ड आउट। हॉस्पिटल और मॉक से भी कोई न्यूज नहीं है, मतलब एक्सीडेंट रूल्ड आउट। खुद की कार लेकर निकले और कार की भी कोई न्यूज नहीं है। आई थिंक पुलिस ने उनके कॉल रिकॉर्ड्स मंगाए होंगे, ज्यादातर क्राइम शोज में उन्हें लीड वहीं से मिलती है, CDR रिपोर्ट्स, कॉल डेटा रिकॉर्ड। वैसे मुझे नहीं लगता है उन्हें कुछ मिला होगा, या शायद मिला होगा पर हमें बताया नहीं गया। वैसे बता दो हम सब पर शक होगा उन्हें, गीता तुम पर भी। रागिनी तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सबके बारे में कुछ ज्यादा ही पता है? यार वो मैं बस क्राइम शोज को ज्यादा ही देखती हूँ इसलिए, नथिंग एल्स। ये विवेक शर्मा, ये उसकी कार। साहब ये कार के साथ में गायब हुए, मतलब अपनी मर्जी से गए? कोई कारण सामने नहीं आ रहा, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई कर्जा नहीं, खुद बीवी ने कंप्लेंट दर्ज करवाई, उसका कहना है कि आपस में कोई अनबन भी नहीं थी। तो मतलब किसी ने कार के साथ में ही अगवा कर लिया? साहब ये कार तो इस हालत में नहीं मिली, इसका तो पोस्टमार्टम हो चुका होगा, और ये आदमी किस हालत में मिलेगा अब देखो। तो एक काम कर, गैराजेस और गाड़ियां चोरी करने वाले गैंग्स में पता कर। गोविंद मुझे लगता है ये आदमी अपनी मर्जी से कहीं गया है, घर पे कोई अनबन हुई होगी, इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं आता है। फैमिली बैकग्राउंड से मैडम आपका? एकदम बारीकी से। इस विवेक के साथ साथ इसकी बीवी निधि और बेटे संजय दोनों की डिटेल चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हो जाए। इनके अलावा ऑफिस के 4 एम्प्लॉयज और हैं, 3 लेडीज 1 आदमी, सबकी फाइल बना। देखो राजीव, अगर तुम्हारे दोस्त विवेक की अपनी पत्नी निधि के साथ कोई अनबन थी, कोई घरेलू मसला था और विवेक अपनी मर्जी से कहीं चला गया, तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ऐसी कोई अनबन नहीं थी, ये जरूर कोई सीरियस मामला है। कितना सीरियस? किडनैपिंग मर्डर कितना सीरियस? और तुम्हें क्यों लगता है ये सीरियस मैटर है? क्या विवेक की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? मकसद क्या था? विवेक आखिर मीटिंग के लिए कहाँ गया? और रुकिए रुकिए सर, मैं ये सब बातें नहीं जानता। मैंने सीरियस इसीलिए कहा क्योंकि निधि को बताए बिना विवेक कहीं जाता नहीं था। अफेयर था कोई? अफेयर नहीं सर, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई अफेयर नहीं था। उसका बेटा संजय सेकंड ईयर बीकॉम में पढ़ता है, 20-21 साल का जवान है, उसके साथ कोई मसला? सर बेटे के साथ मसला और इतना बड़ा कदम, नहीं सर मामला कुछ और है। सुनो बोलो क्या बात है? राजीव इस वक्त हमें सिर्फ इतना पता है कि ऑफिस से निकलने से ठीक 20 मिनट पहले विवेक को फोन आया था 444-897-612 से, उसके बाद विवेक ऑफिस से निकला। हाय क्या हाल है? और उसे लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। गीता एक मीटिंग है,
लंबी चलेगी, देर से लौटूंगा। गाड़ी में बैठकर जाते वक्त विवेक के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी, कोई तनाव नहीं था, एकदम रिलैक्स। 14 जून को ऑफिस से मीटिंग के लिए निकला, उसके बाद लौटा ही नहीं, ना ऑफिस ना घर, और आज 5 दिन हो गए। सर सीसीटीवी फुटेजेस ऑल ब्लैंक। विवेक ने कोई ऐसा रूट लिया जो शहर के किसी मेजर सीसीटीवी में कैप्चर ही नहीं हुआ। अब विवेक इस वक्त कहाँ है ये एक सुपर राज, ये सब कुछ एक बारीकी से की गई प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ। तुम आखिरी बार विवेक से कब मिले थे या फोन पे कब बात हुई थी? मैं उसे 12 जून को मिला था उसी के घर पे। राजीव मारा वाइल्ड गैस क्या कहता है, विवेक कहाँ गया होगा? क्या वाइल्ड गैस करूँ सर, मेरा बेस्ट फ्रेंड गायब है, मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा। एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, आर यू श्योर कोई अफेयर नहीं था? नहीं सर कोई अफेयर नहीं था। हाय सॉरी थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके नो इश्यूज, मैं भी अभी आई हूँ। ओके हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? सर विवेक शर्मा का लास्ट फोन लोकेशन उबैदुल्लागंज था। उबैदुल्लागंज? हाँ सर, विवेक के ऑफिस से ठीक 35 किलोमीटर दूर। 2:05 पर विवेक का फोन स्विच ऑफ हुआ, वो ऑफिस से 12:35 को निकला था। जरूरी नहीं कि विवेक उबैदुल्लागंज पहुँचा, हो सकता सिर्फ उसका फोन पहुँचा। लगता है विवेक खुद पहुँचा था सर, 12:15 उसे जो कॉल आया था 4448976 से उसका कॉलर ट्रेस हुआ, कोई मुकेश चंद है। इस मुकेश चंद ने 12:15 उबैदुल्लागंज से फ़ोन किया और इस नंबर वाले फोन का लोकेशन 1:55 तक उबैदुल्लागंज में ही था। उबैदुल्लागंज में कोई विवेक का इंतजार कर रहा था, विवेक वहाँ पहुँचा और फिर कुछ हुआ और फोन स्विच था। 12:15 से जो कॉल आया तभी मीटिंग का टाइम और जगह फिक्स हुई होगी। ए हाय क्या हाल है? हाँ ठीक है, मैं 12:30 को निकलूँगा यहाँ से, फिर मिलते हैं वहाँ। ओके बाय। अगर विवेक के साथ किसी को कुछ करना ही था जैसे कि मर्डर, तो उसके उबैदुल्लागंज में पहुंचते कर दिया होगा और उसके बाद फोन स्विच ऑफ। मुझे लगता है उसे आगे ले गए होंगे, कुछ प्लान हुआ होगा। इस मुकेश चंद का एड्रेस हबीबगंज का है, फर्जी तो नहीं? मुकेश चंद नहीं मैडम, हमारे क्लाइंट लिस्ट में तो कोई मुकेश चंद नहीं। वैसे मैंने कभी विवेक सर के मुंह से भी ये नाम नहीं सुना। मैं नहीं जानती किसी मुकेश चंद को। मैं भी नहीं जानता मैम। सेम जी, हमारे सर्कल में कोई मुकेश चंद नहीं है, उसके काम के सर्कल में कोई होगा तो मुझे पता नहीं, हम लोग आपस में काम की बातें बहुत कम करते थे। पर ये है कौन? मुझे नहीं पता, और पापा के काम के बारे में हमें कहाँ कुछ पता रहता है। विवेक शर्मा मिसिंग केस के ड्रामे में अब एक नया किरदार दाखिल हुआ, उसका नाम था मुकेश चंद। लेकिन विवेक की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में से कोई भी इस व्यक्ति को नहीं जानता था। उस रहस्यमय मीटिंग में जाने से पहले और उस मीटिंग के 1 महीने पहले से विवेक शर्मा की बात एक नंबर से होती रही थी और वो नंबर इस मुकेश चंद के नाम पर रजिस्टर्ड था। लेकिन सवाल यह था कि कौन था ये मुकेश चंद, क्या ये वाकई में कोई था या फिर ये फर्जी आइडेंटिटी थी, और अगर फर्जी थी तो साजिश क्या थी। मुकेश चंद जी, वो मेरे पति हैं। कहाँ हैं? वो अभी अपने ऑफिस में है, पर क्या बात है सर?
अभी ऑफिस में होंगे? हाँ, और कहाँ होंगे, लेकिन आप बताइए, आप उनके बारे में पूछ क्यों रहे हैं? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मुझे इस तरह ऑफिस से उठा लेने का क्या मतलब है? विवेक शर्मा का है। कौन का है? विवेक शर्मा, वीएस इंश्योरेंस कंसल्टेंट का मालिक, 105 सॉलिटेयर बिजनेस पार्क, बरडिया नगर, भोपाल। समझ गए, यह पिन कोड बताऊं? मैंने ये नाम पहली बार सुना है सर। मुझे नहीं मालूम ये कौन है। मुझे भी नहीं पता कि पापा इसे जानते हैं या नहीं। तुम में से कोई जानता है इसे? लेकिन ये नंबर मेरा नहीं है सर। कैसे नहीं, फोटो तुम्हारी है, एड्रेस तुम्हारा और तुम्हारे पैन कार्ड की कॉपी लगी। मुझे नहीं पता सर, पर ये नंबर मेरा नहीं है। तुम्हारे इलाके हबीबगंज में जो मोबाइल शॉप है ना, फास्ट मोबाइल शॉप, उसे हमने ढूंढ निकाला। यहाँ से एक महीना पहले तुमने ये सिम खरीदा था। ये नंबर 444-897-612 यहीं से बेचा गया था। एक सेकंड सर, चेक करता हूँ। जी सर, 12 मई 2017 को यहाँ से सेल हुआ। ये मुकेश चंद है? डॉक्यूमेंट तो उसी के हैं, वही होना चाहिए। सर ये है तो मेरे ही, लेकिन मैंने कोई नंबर नहीं लिया एक महीना पहले। विवेक शर्मा 5 दिन से गायब, और गायब होने से पहले उसकी आखिरी बात तुमसे हुई थी। क्यों गायब किया उसे? नहीं नहीं सर, मैं किसी विवेक शर्मा को नहीं जानता। ये मेरे कागजात का गलत इस्तेमाल किया है किसी ने, मुझे कोई फंसा रहा है। कौन फंसा रहा, क्यों फंसा रहा है? तुम्हारे ये सारे कागजात किसी के हाथ में कैसे पहुंचे? मुझे मालूम नहीं सर, आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने आज तक एक सिग्नल तक नहीं तोड़ा है, मैं आदमी को क्या गायब करूंगा। सर विवेक के सारे सर्कल में मुकेश के बारे में किसी को नहीं मालूम। ये मुकेश ये नहीं जानता कि इसके डॉक्यूमेंट यूज कैसे हुए। जरूर कोई झोल है सर। पक्का झोल है, और उससे बड़ा झोल ये है कि इस झोल के बारे में विवेक से जुड़े किसी भी शख्स को कुछ नहीं पता। ये सिर्फ कह रहे हैं कि कुछ नहीं पता। ये विवेक शर्मा के ऑफिस के सभी लोग का पीछा किया मैंने। अब ये मत कह देना गोविंद की तुझे कुछ मिला नहीं है। आपके लिए कुछ है मैडम, अब ये नहीं मालूम कि कितने काम का है, पर है। बोल जल्दी। ये जो गीता कुमारी है ना मैडम, ये मुझे कुछ टेंशन में लग रही थी। तुझे कैसे पता कि टेंशन में थी? वो ऐसे है कि ये ऑफिस के बाद ऑफिस के ही एक बंदे से मिलती है, वो आशीष सिंह। मुझे सबसे अजीब बात ये लगी मैडम कि दोनों एक ही ऑफिस में सारा दिन साथ साथ होते हैं, फिर शाम को ये बाहर क्यों मिलते हैं, वो भी चोरी छुपे। और बाकी दोनों लड़कियां? ये दो लड़कियों में जो एक लड़की है ना काजल, ये एक आदित्य से मिली थी। कौन है आदित्य? पूजा पैरल नाम की कोई कंपनी है, विवेक शर्मा की कंपनी के कस्टमर है ये लोग, ये आदित्य वही काम करता है। और मैडम इन दोनों की जो मीटिंग हुई ना, बस मीटिंग लगी मुझे, मुझे कुछ ऐसा खास नहीं लगा। और वो रागिनी? ये रागिनी, ये बहुत अजीब लगी मुझे। कैसे? पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा कि उसे पता था कि मैं उसका पीछा कर रहा था। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि उसे कैसे पता चला कि मैं उसका पीछा कर रहा था। एक मिनट के लिए ना मैडम थोड़ा नर्वस हो गया था मैं। तो गोविंद तुझे ये लगता है कि ऑफिस के अंदर की बात है?
खबरी बाबू ने उबैदुल्ला गंज से लेकर भोपाल तक के सभी गैराजेस छान मारे, सभी कार्स और गैंग्स में अपने कॉन्टैक्ट्स को खंगाला, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं, ना डिसमेंटल करने की और ना ही कलर चेंज की। कमल, इस ऑपरेशन की प्लानिंग बड़ी बारीकी से की गई। एक महीना पहले सिम कार्ड खरीदा गया, जिससे विवेक को कई कॉल किए गए। अब विवेक के जस्ट गायब होने से पहले ही कॉल किया गया, और हमें मिलता कौन है? मुकेश चंद, जिसकी आईडी इस्तेमाल की गई। सर, अब निमिता की थ्योरी में दम लग रहा है कि विवेक शर्मा के गायब होने की प्लानिंग खुद विवेक शर्मा ने की। करमवीर पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर राठौड़ बोल रहा हूँ। विवेक शर्मा को ढूंढना बंद कर दो। कौन बोल रहा है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बताऊंगा? अच्छा ठीक है, मत बताओ कि कौन बोल रहा, लेकिन इतना तो बताओ कि हम विवेक शर्मा को ढूंढना क्यों बंद करें? क्योंकि वो अब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कोई कारण तो होगा। अपना वक्त बर्बाद करते रहो और कारण ढूंढते रहो, लेकिन इतना याद रखो, वो कभी नहीं मिलेगा। क्यों? मारा गया है। इंस्पेक्टर, केस क्लोज करो। ये कंप्लेंट ही तुम लोगों को गुमराह करने के लिए की गई है। हेलो, क्या बात है जी? पुलिस आपको ऑफिस से क्यों लेकर गई थी? कुछ नहीं, बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी उन्हें। मिस्टेक। निधि, संभालो अपने आप को, समेटे रखो खुद को, सब ठीक होगा। अभी सब कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है राजीव। मैं समझता हूँ निधि, लेकिन इस वक्त तुम्हें संजय के बारे में सोचना है। उस पर क्या बीत रही होगी? देखो, संजय की खातिर तुम्हें स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। वही नंबर सर, 444-897-612, इसी नंबर से कॉल आया था, मुकेश चंद वाला। वो नंबर अभी तक एक्टिव है? इंस्ट्रूमेंट के आई में नंबर ट्रैकिंग पे डाला है सर, हमारे साथ बाकी में गेम खेला जा रहा है। और ये जो भी है, काफी ढीठ खिलाड़ी है। थोड़ा रिवाइंड मोड में जाते हैं। विवेक की पत्नी निधि ने क्या कहा था जिस दिन विवेक गायब हुआ? जब वो ऑफिस के लिए निकला, उसका मूड कैसा था? सर, उसने कहा था रोज की तरह था, नॉर्मल। बाय निधि। बाय। वही रूटीन, नॉर्मल सी सुबह थी। उन्होंने नाश्ता किया, बाय बोला और ऑफिस चले गए। संजय, तुमसे कोई बात हुई थी विवेक जी की? तुमने कुछ अजीब सा नोटिस किया? नहीं मैम, मैं तो अपने रूम में पढ़ रहा था, और वैसे भी जब पापा ऑफिस जाते हैं तो मुझे अलग से भाई नहीं कहते। कड़ियां जुड़ नहीं रही हैं। हमारे पास विवेक के बारे में उतनी जानकारी है जितनी हमें विवेक की पत्नी निधि ने दी, या फिर उसके ऑफिस के स्टाफ ने, और मुझे लगता है ये लोग हमें पूरी जानकारी नहीं दे रहे। ये मुमकिन ही नहीं है कि 14 जून को विवेक गायब हो जाता और उसके घर में, ऑफिस में किसी को कुछ पता नहीं कि विवेक कहाँ गया, क्यों गया। कोई बैकग्राउंड तो रही होगी। कोई फाइनेंशियल मामला भी नजर नहीं आ रहा सर। विवेक के बैंक अकाउंट्स, उसके ऑफिस के बैंक अकाउंट्स, उसके क्लाइंट लिस्ट सभी चेक किए, कहीं कोई हेराफेरी नहीं है। जिन बैंक्स में विवेक के अकाउंट्स हैं, मैंने उन सभी बैंक से कहा कि विवेक के हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखें। विवेक को गायब हुए 14 दिन हो गए, लेकिन अभी तक किसी भी बैंक से कोई भी विड्रॉवल नहीं हुआ। और सबसे अजीब बात है वो कार जो अभी तक ट्रेस नहीं हुई है, ओबेदुल्लागंज तक गई थी, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें उसे फोन लोकेशन से मिली है। 14 दिन, मुझे नहीं लगता कि विवेक अपनी मर्जी से कहीं गया। शायद विवेक को कहीं ले जाकर रखा गया है, या फिर मार डाला गया है शायद। लेकिन क्यों और किसने? मोटिव का कोई एक सुराग तो मिले। चूंकि विवेक के गायब होने के पीछे ना कोई ठोस जानकारी मिल रही थी और ना ही उसे गायब करवाने का कोई ठोस मकसद, विवेक की पत्नी निधि भी शक के दायरे में शामिल की गई। इस केस में विवेक का बेटा संजय भी शक के दायरे में था। विवेक की फर्म का हर एक एम्प्लॉय स्कैनर में आ गया ये पता लगाने के लिए कि क्या किसी को विवेक से कोई रंजिश थी, क्या उसके गायब होने का कारण
ऑफिस में तो नहीं था। इन सस्पेक्ट्स में कोई ऐसा था जिसके पास ऐसी जानकारी थी जिससे केस पर रोशनी डाली जा सकती थी, पर यह जानकारी सामने आने में वक्त लगने वाला था। भाई मैंने ये खोदा ही नहीं, और भीड़ के बीचों बीच कैसे खोद सकता हूँ? अच्छा भाई, लग तो रहा है खोदा गया है। हाँ अजीब है, लेकिन मैं तो 2 महीने बाद लौट रहा हूँ। वो ठीक है, पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। देखें उस्ताद भाई, मुझे तो डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है छोटे, पर हमारे खेत है, अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो इल्जाम हम पे आ सकता है, इसलिए देखना तो पड़ेगा। क्या हुआ किए गए हैं बॉडी पर भयंकर तरीके से। इसे फंसाया गया, फंसाकर इसकी मौत के मुंह तक खींच कर लाया गया। बॉडी मिली होशंगाबाद में और फोन स्विच ऑफ हुआ उबैदुल्लागंज में। जो हुआ है बड़ी बारीकी से की गई प्लानिंग के तहत। एक से ज्यादा खिलाड़ी रहे और इस हत्या का कारण अतीत में विवेक शर्मा के अतीत। मम्मी क्या हुआ? पुलिस स्टेशन से फोन था, क्या कहा उन्होंने? मम्मी कुछ बोलिए ना। मम्मी क्या हुआ, आप बोलिए ना, बताइए। उन्होंने बोला कि तेरे पापा की बॉडी मिली। क्या हुआ गीता, क्या न्यूज़ है? गीता बोलो ना। पुलिस को विवेक सर की बॉडी मिली है। कहाँ से मिली? होशंगाबाद। बर्बाद मुझे? तुम्हें वाकई लगता है मुझे बर्बाद किया जा सकता है? चलो बताओ कैसे किया जाएगा। अरे प्लान बताओ, कम ऑन। कितनी अजीब बात है, मैंने सोचा ही नहीं था कि कोई उसकी बॉडी खोद निकालेगा। मुझे तो लगा था कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दी और अब ये सब बातें सामने आ रही है। मतलब और अब हो गया तो हमें संभल कर चलना होगा। सुनो, किसी सूरत में कार मिलनी नहीं चाहिए, समझे? ठीक है। निधि जी, आपके पति विवेक का मर्डर 14 जून को ही हो गया था, उसी दिन जिस दिन वो ऑफिस से मीटिंग के लिए निकले थे।
मैं डेट ऑफ डेथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बॉडी उतनी गल चुकी है। ये 16 वार किस हथियार से हुए होंगे? ऐसे वार हमेशा मांस काटने के चॉपर से होते हैं, लेकिन 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 इंस्पेक्टर 16 के 16 वार विवेक की मौत के बाद किए गए। भड़ास निकालने के लिए या फिर कोई मैसेज देने के लिए? पॉसिबल। तो फिर मौत कैसे हुई और कब हुई? गले में ये मार्क, पहले किसी रस्सी या वायर से गला घोंटा गया। किसी ने पहले से तय कर लिया था कि मर्डर करना है और कर दिया, और जिसने भी किया है इतना तो साफ है, नफरत करता था वो आपके पति से। ले लीजिए, वरना मारने के बाद भी इतने वार क्यों? किसी की आपके पति के साथ इतनी गहरी दुश्मनी थी और आप लोगों को भनक तक नहीं थी? ये दीजिए। राजीव जी, क्या कुछ ऐसा है जो आप लोग हमें बताना भूल गए या फिर जानबूझकर नहीं बताया? अगर कुछ भी ऐसा है तो अभी वक्त है, बता दें। रागिनी, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है। एक बात बोलूं? क्या? ये आशीष और गीता। आशीष और गीता क्या? मुझे लगता है विवेक सर को इन दोनों ने मार डाला है। What? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। आशीष, मिसेस विवेक शर्मा। निधि मैम, वैसे आई थिंक वो ये कर भी सकती हैं, पर तुम्हें क्या लगता है इस सब के पीछे मोटिव क्या रहा होगा? इंश्योरेंस, कोई अफेयर? अफेयर राजीव दुबे के साथ, विवेक सर का बेस्ट फ्रेंड। क्या लोगों के व्यक्तित्व के दो चेहरे हो सकते हैं? एक चेहरा कुछ लोगों के लिए और दूसरों के लिए कुछ और ही। ये केस अब एक मिसिंग केस से मर्डर केस में तब्दील हो गया था, लेकिन विवेक शर्मा को कौन मारना चाहता था? उसकी मौत से किसे फायदा होने वाला था और इस कत्ल का मकसद क्या था? विवेक शर्मा के नकाब के पीछे उसका असली चेहरा क्या था? उसके इर्द गिर्द के लोगों के असली चेहरे क्या थे जो इन्वेस्टिगेशन के सामने अब तक सिर्फ अपने नकाब पेश किए हुए थे? कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में हम पता करेंगे कि कौन विवेक शर्मा को उसकी मौत तक घसीट कर लाया और क्यों और कैसे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी, लेकिन हमेशा याद रखें कि क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।